नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी प्यारे दोस्तों का, चांद सितारों का, मेरे जिगर के छल्लों का, मेरे यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज है 28 दिसंबर, दिन गुरुवार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KBC डेली ऑफलाइन क्विज के सही जवाब, जो सोमवार से शुक्रवार IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपका इंटरनेट ऑन होते ही। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, कमेंट द्वारा राय भी प्रकट करें वीडियो के बारे में, वीडियो कैसी लगी आपको, आपकी अन्य कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और रात 9 बजे आप KBC प्ले अलोंग क्विज के राइट आंसर प्राप्त करने के लिए भी हमारे चैनल पर हमारी वीडियो में लाइव जुड़ सकते हैं। जिनको लिंक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज का लोगो लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन, नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी सही जवाब साथियों। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, पहले का ऑप्शन बी होगा। दूसरे क्वेश्चन का, IDFC फर्स्ट बैंक के माध्यम से न्यूनतम गृह ऋण सीमा क्या है? 5 लाख रुपये, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कारक है? सैमुअल एफ बी मोर्स, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सैमुअल एफ बी मोर्स ऑप्शन ए तीसरे क्विज का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा सवाल पूछा जा रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक में शिक्षा ऋण सह आवेदक कौन हो सकता है? सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आज का पांचवा फिफ्थ फाइनल क्वेश्चन, किस शहर को गोल्डन गेट का शहर भी कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को सही जवाब साथियों। ये थे हमारे आज के डेली ऑफलाइन क्विज के सही जवाब। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।